फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम दाल मखनी बनाएंगे। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप काली दाल और एक चौथाई कप राजमा लेंगे। जिन्हें हमने पहले ही 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। देखिए, ये कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। अब इन्हें हम एक कुकर में उबाल लेंगे। इसके लिए कुकर लेंगे और सारा दाल और राजमा को उसमें डाल लेंगे। अब इसमें एक ग्लास पानी और एक चम्मच नमक डालकर कुकर को बंद कर देंगे। अब गैस ऑन करेंगे और 3 सीटी आने तक इंतजार करेंगे। जब तक दाल और राजमा पक रहे हैं, तब तक हम टमाटो प्यूरी बना लेते हैं। इसके लिए मिक्सी जार में 3 टमाटर, जिसे हम काट लेंगे, दो हरी मिर्च, और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का काट लेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। तीन सीटी आ चुकी है, हम कुकर को साइड में रख देंगे। अब एक पैन लेंगे और उसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब इस पे एक बड़ा चम्मच तेल और एक चम्मच मक्खन डालकर मक्खन को थोड़ा पिघलने देंगे। देखिए, मक्खन पिघल चुका है। अब इसमें कुछ कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक कप प्याज डालेंगे। इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के भुन चुके हैं। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक टमाटो प्यूरी अच्छे से सूख ना जाए। देखिए, टमाटो प्यूरी अच्छे से सूख चुकी है। अब इसमें हम दाल और राजमा डाल लेंगे। देखिए, दाल और राजमा अच्छे से उबल चुके हैं।
अब हम इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, और एक चम्मच सांभर मसाला डालकर मिला लेंगे। अब इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए ये अच्छे से उबल चुका है। हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबालना है। देखिए दाल कितनी गाढ़ी बनी है। अब फाइनली इसमें 1 से 2 चम्मच क्रीम हुआ, हरा धनिया और 1 चम्मच बटर डालकर मिला लेंगे। सारी चीजें डालने के बाद इसमें खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। दाल मखनी बन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। दाल मखनी बनकर तैयार है। अब हम क्रीम से गार्निशिंग कर लेंगे। दाल मखनी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे चावल या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।